एपिसोड की तरह आज का हमारा स्पेसिफिक एपिसोड भी हम बनाने जा रहे हैं जनाब मोहम्मद रफी साहब पर। जनाब मोहम्मद रफी साहब पर इतनी सारी कहानियां हम बना सकते हैं, आप सबके लिए पेश कर सकते हैं। तो आज की एक ऐसी कहानी कि मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया एक गीत बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, लेकिन उस गीत का एक ऐसा वर्जन जो किसी भी प्रसारण माध्यम पर आपको सुनने शायद ही मिला होगा। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कभी किसी भी कंटेंट को कहीं से भी कॉपी कर करके आपके लिए पेश करने की कोशिश नहीं करते। हमारा कंटेंट रहेगा सिर्फ हमारा ही, नो कॉपीड कंटेंट, नो फैक्ट स्टोरी, ओनली फैक्ट्स। साल 1964 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला। जे ओम प्रकाश जी की ये बड़ी ही पॉपुलर फिल्म रही थी। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने और गीतकार थे शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी। फिल्म आई मिलन की बेला के सभी गाने बहुत ही पॉपुलर रहे थे। ओ सनम तेरे हो गए हम टाइटल सॉन्ग, आहा आई मिलन की बेला, बुरा मान गए मैं कमसिन हूं, मैं प्यार का दीवाना, तुमको हमारी उम्र लग जाए और तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो। तो दोस्तों, जो आखिर में जिस गीत का हमने जिक्र किया, तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सजा ये गीत, पहले सुनते हैं इस गीत का छोटा सा हिस्सा। तुम कमसिन हो, नादा हो। दोस्तों आइए देखते हैं इस गीत के अंतरे की छोटी सी झलक। तुम आह भरा शिकवे करो। अभी आपने जो गीत सुना, जिस गीत की छोटी सी झलक सुनी, आपने गौर फरमाया होगा कि हर गीत की तरह इस गीत में भी एक मीटर रवा दवा है, एक रिदम भी है। लेकिन अब जो वर्जन हम आप सबके लिए यहां पर पेश करने वाले हैं, यही है आज की हमारी कहानी। जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज से बना इस अंतरे का ये लूज वर्जन में शायद ही आपको किसी भी प्रसारण माध्यम पर सुनने को मिला होगा। आइए पेश करते हैं खास तौर से आप सभी दोस्तों के लिए। तुम आहे भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं, तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं, तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोले हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। तो ये थी आज की हमारी स्पेसिफिक स्टोरी जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए रेयरेस्ट रेयर गीत से जुड़ी हुई। दोस्तों, हम कभी आप सब से हमारा चैनल लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए कहा नहीं करते, लेकिन आज हम आप सबसे बताते चलें कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आपके प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर से भेजिएगा। उसकी बदौलत हमें पता चलता है कि कौन से मूड से जुड़े हुए कंटेंट को देखना आप ज्यादा पसंद फरमाते हैं। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।